हेलो फ्रेंड्स, एबेकस कंप्यूटर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को ए टू जेड शॉर्टकट यूज इन एमएस वर्ड, कैसे हम ए से जेड सारे की काम इस्तेमाल कर सकते हैं एमएस वर्ड, ठीक है, जिसको हम आपको डेस्कटॉप पर ये जो हम टाइप कर रहे हैं उसको हम एक करके आपको बता रहे हैं कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल ए, इसका यूज क्या होता है? कंट्रोल ए शॉर्टकट से सिलेक्ट ऑल हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल सी कॉपी या कॉपी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, यानी जो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए हुए हैं उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल डी डुप्लीकेट या ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल ई सेंटर एलिमेंट, कंट्रोल एफ फाइंड, कंट्रोल जी गो टू, कंट्रोल एच रिप्लेस, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल जे जस्टिफाई, कंट्रोल के हाइपरलिंक, कंट्रोल एल लेफ्ट एलिमेंट, कंट्रोल एम इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल एन न्यू या इंसर्ट न्यू पेज, कंट्रोल ओ ओपन या ओपन सेव फाइल इसे कह सकते हैं, कंट्रोल पी प्रिंट या प्रिंट सेव फाइल, क्योंकि हम जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक कोई भी फाइल मेरा प्रिंट नहीं हो सकता है इससे एमएस वर्ड से। कंट्रोल क्यू लेफ्ट एलिमेंट, कंट्रोल आर राइट एलिमेंट, कंट्रोल एस सेव या सेव्ड क्रिएट फाइल, जो हम फाइल को क्रिएट किए हैं जो बनाए हैं उसको सुरक्षित करें। कंट्रोल टी टैब सेटिंग, कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल वी पेस्ट या पेस्ट कॉपी फाइल ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट को कॉपी किए हैं उसको पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज एक्टिव विंडो, जो विंडो मेरा खुला हुआ है उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल एक्स कट, या इसे हम कह सकते हैं कट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट किया गया ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज किया जाता है। कंट्रोल वाई जीरो, कंट्रोल जेड अंडो। अब हम ए से जेड जो आपको बता दिए हैं शॉर्टकट सारे, तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऊपर से और